बसमरिम अल्लाम वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू के अंदर आज जिस टॉपिक का हम क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो है जी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1973 सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आज हम ये देखेंगे कि उन्नीस सौ तिहत्तर का जो आइन है हमारा ठीक है और उसके जो इम्पोर्टेंट जो फ़ीचर्स हैं या खूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अब सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो बैकग्राउंड में हमें पता है कि इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं ठीक है एक सबसे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 1956 में आया और 1958 में चला गया यानी तकरीबन ढाई एक साल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन रहा उसके बाद हमने देखा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया अयूब खान साहब जो लेके आए ठीक है लेकिन वो अयूब खान साहब के साथ ही 1969 के अंदर जो है वो रुख्सत हो गया ठीक हो गया और उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर आया जो कि भुट्टो साहब का एक कारनामा माना जाता है कि भाई अली भुट्टो ने नेवाम को क्या दिया अवाम को कॉन्स्टिट्यूशन दिया यानी कि उन्होंने आइन दिया अवाम को जो आज तक चला आ रहा है गो कि इसके अंदर तरामीम हो चुकी हैं लेकिन फिर भी जो है हम ये मान सकते हैं कि ये एक जो है वो कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो अब सबसे इम्पॉटेंट चीज़ ये है कि हम जैसे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से मसाइल हमें स्टार्ट में देखने को मिले क्योंकि पहले नौ साल तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं क्योंकि हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स थे कि भाई लिबरल हो सेकुलर हो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो इस्लामिक हो तो ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन थे जिस वजह से जो है फिर स्टार्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी किारदाद मकासद जो थी वो पास हुई और जिसने जो है वो बताया कि भाई अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो इस्लामिक होगा ना कि लिबरल ठीक है उसी की बेस पर फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बने लेकिन क्योंकि उस टाइम के जो थे जैसे कि अगर सिकंदर, ने पास किया था, तो सिकंदर मिर्जा साहब कि ने पास किया था तो उनकी क्या कोशिश थी कि पावर उनके पास रहे ठीक हो गया इसी वजह से ये चल नहीं सके लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक पूरी कमेटी ने बनाया और हर तबका फिगर का बंदा जो है मौजूद था उस वजह से जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के जो पूरी की पूरी कौम को काबिल कबूल था तो चलिए इसके फीचर स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहला इसका फीचर क्या है जी कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि ये वफाकी आयन है ठीक है वफाकी आइन का मतलब क्या है कि भाई जो मुल्क है वो चार सूबों पर मुश्तमिल होगा ठीक है और इस्लामा जो है जहाँ से इसको कंट्रोल किया जा रहा है वो इसका वफाक है और इस्लामाबाद जैसे हम जानते हैं कि वो किसी भी सूबे के अंदर नहीं आता ठीक है तो वफाकी होगा यानी कि वफाकी आयन होगा जो एक जगह से कंट्रोल होगा वफाकी आइन की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि उसमें जो सूबे हैं वो आज़ाद होते हैं ठीक है दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के बहुत से के ऐसे हैं जहाँ पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं तो ये रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है टू एटी दफ़ात यानी कि दो सौ अस्सी दफ़ात पर मुश्तमिल है नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका जी पार्लियामेंट्री है ठीक है यानी कि पार्लियामेंट के सिस्टम के ऊपर बेस करता है इसका मतलब क्या है पार्लियामेंट के ऊपर इसका मतलब ये जमहूरी है समझ गए आप क्योंकि पार्लियामेंट जमूरीत से ही आती है डिक्टेटरशिप से तो आती नहीं है तो पार्लियामेंट्री क्या होगा अब हमारे पास पार्लियामेंट्री है तो उसी से अगला पॉइंट है बाई कैमरियल लेजिसलेशन यानी कि दो अवानी मुकन्ना होगी ठीक है जी दो अवानी मुकन्ना दो मकन्ना का मतलब क्या है कि एक साइड पर जो है वो कौमी असम्बली होगी ठीक है जी और दूसरी साइड पे हम उसे कहते हैं जी सेनेट होगी ठीक है सेनेट जो है ये अपर हाउस है और कौमी असम्बली जो है ये लोअर हाउस है सेनेट के अंदर 104 है तादाद मेंबरान की और कौमी असम्बली जो है नेशनल असम्बली इसके अंदर 342 जो है वो मेंबरान की तादाद है तो ये बाई कैमरी लेजिस्लेशन है पहली बात क्या है जी पार्लीमेंट्री है यानी पार्लीमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम जानते हैं पोलिटिकल साइंस के अंदर ठीक है तो प्रेजिडेंशियल uh, पार्लिमेंट्री इसी तरह से uh, बात करें अगर हम तो मनारकी है बादशाह जिसको कहते हैं तो उस तरह से हमने जो चूज़ किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लिमेंट्री होगा और बाई कैमरिल लेजिस्शन होगी ये फोर हो गया और नंबर फाइव पे हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं जैसे हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर भी बात की थी 1956 1962 के अंदर वही चीज़ यहाँ पे चली आ रही है कि भाई हर एक के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं ठीक है, है? बुनियादी हकूक जिसे हम कहते हैं बुनियादी हकूक़ क्या हो सकते हैं ज़िंदा रहने का हक खाने पीने का हक माश का जिसको हम कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी uh, लेने का हक राइट ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं जी बोलने का हक हाँ, ये वो तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर एक का बुनियादी हक हाँ है कि एक इंसान है या एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स अपने साथ ले आता है उसको कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें मैं इजाज़त दे रहा हूँ कि तुम जिंदा रहो ठीक है बल्कि वो ज़िंदा रहने का हक हाँ ले के आया है अपने साथ वो फ़ूड का खाने का हक हाँ अपने साथ ले के आया है वो बोलने का हक हाँ अपने साथ ले के आया है ठीक है तो ये फ़ंडामेंटल राइट्स इस तरह से इसके बाद नंबर सिक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अमेंडमेंट कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट होगी यानी कि तरमीम होगी तो तरमीम का तरीका एक कार बता दिया कि टू थर्ड मेजोरिटी के साथ जो है वो तरमीम होगी उसके अलावा नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्नीस का ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है यानी अगर बात की जाए थोड़ी सख्ती की तरफ जाता है नरमी की तरफ नहीं जाता यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इतनी आसान नहीं टू थर्ड मेजोरिटी हासिल करना इसम्बली के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर आसान काम नहीं ठीक है आज भी हम देखते हैं कि इसम्बली के अंदर जब भी कोई तरमीम होती है तो उसके लिए हर पार्टी जो अपोजिशन में भी है उसके पास भी जाके जो है उसकी मनतें करनी पड़ती हैं कि भाई प्लीज़ हम ये बिल पास कर रहे हैं तो आप मेहरबानी करें कि हमें जो है वो अलाउ करें हमें वोट दें तो हम इसको पास कर लें वरना ऑर्डीनेंस के ऊपर काम चलाया जाता है जैसे कि आजकल हुकूमत चला रही है ठीक है उसके बाद नंबर सेवन पे क्या है जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि जो अदलिया है वो क्या होगी जी अदलिया आज़ाद होगी अदलिया क्या करेगी जी आज़ाद होगी और हर अपने फैसले के अंदर आज़ाद होगा वैसे भी जो हम हम जानते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर चल रहा है कि वहाँ पे जो है वो एग्जेक्टिव अलग है जुडिशरी जो है वो अलग है और इसी तरह से जो है वो मुकन्ना या लेजिस्लेट जो है वो अलग है तो तीन अलग अलग इदारे एक दूसरे से मुख्त रह के काम कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी कहा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और नंबर एट पे हमारे पास आता है जी इंपॉर्टेंट फीचर वो है नेशनल लैंग्वेज कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है जी उर्दू जो है हमारी कौमी ज़ुबान होगी और दफ्तरी या सरकारी ज़ुबान वो एज़ इट इज़ इंग्लिश ही है जो आज तक हमने देखा वैसे ही चली आ रही है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि उन्नीस के आयन के अब इससे पहले क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं भुट्टो साहब की जो रिफॉर्म्स थी उसको हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि वो रिफ़ॉर्म्स किस तरह से अयूब खान साहब के एरा से जो है वो डिफरेंट थी कि अयूब खान साहब कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए और भुट्टो साहब कौन सी रिफ़ॉर्म्स लेके आए अब इसमें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह एक तो हमारा शिमला माहिदा होगा ठीक है जी नाइनटीन सेवेंटी टू का और साथ में हम फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप इसी तरह बढ़ते जाएँगे तो यहाँ पर इस टॉपिक को करते हैं एंड